नमस्कार, मी इंजिनियर महेश कुमार पाटील। काही विचार होते ते कवितेच्या स्वरूपात मी मांडलेले आहेत आणि ते वाचून दाखवतो। भारत देश को श्रेष्ठ भारत बनाने वाले हम कंफ्यूज क्यों हैं? हम कंफ्यूज क्यों हैं समझने में कि मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान, मेरा इंडिया क्या है? मेरे भारत की महानता किसमें है? कौन गलत और कौन सही है? मुझे मेरे देश को समझना है क्योंकि मुझे मेरे देश को समझाना है। समझना जरूरी है। इतिहास में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या ये फिर से दोहराना जरूरी है कि इंडिया को हिंदुस्तान बोलने वाले मुसलमानों को हमें आज समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की विचारधारा भी समझनी जरूरी है कि इतने टुकड़े होने के बाद भी भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना, यह भी समझना जरूरी है कि हम सब एक होके भी अलग क्यों है, समझना यह भी जरूरी है। समझना ये भी जरूरी है कि क्या हर हिंदू मुसलमानों को समझ रहा है, कि क्या हर मुसलमान हिंदुओं को समझना नहीं चाह रहा है, कि क्या हिंदू दुनिया के अच्छे मुसलमानों से जुड़ना चाहते हैं पर भारत के कुछ मुसलमान ये होने नहीं दे रहे, कि क्या भारत के मुसलमान शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने में सहयोग देना चाहते हैं पर कुछ हिंदू ये होने नहीं दे रहे। समझना ये भी जरूरी है उस समय बिना कुछ कहे उठाई थी हर किसी ने अलग अलग जिम्मेदारियां, तो वो गलत कैसे? जिन्होंने जिम्मेदारियां उठाई थी तो वो गलत कैसे? हिंदू धर्म को एक दिशा देने में साथ देने वाले ब्राह्मण गलत कैसे? इतने सालों से हर कोई काम को अपना काम समझ के हर काम करने वाले दलित हमारे हमसे पराए कैसे? खुद का, परिवार का नुकसान होने की बात भी सबकी सुरक्षा करने वाले क्षत्रिय हमसे अलग कैसे? माना कि उस समय जरूरी भी था पर आज हम सब एक होके भी पराए कैसे? हम एक दूसरे के दुश्मन कैसे? इंडिया को हिंदुस्तान बोलने वाले मुसलमान हिंदू के दुश्मन कैसे? इंडिया को हिंदू राष्ट्र बोलने वाले हिंदू मुसलमान के दुश्मन कैसे? भारत को परकीय आक्रमणों से लूटने वालों से बचाने वाले हिंदू गलत कैसे, मुसलमानों के दुश्मन कैसे? भारत को लूटने वालों से बचाने के लिए हिंदू का साथ देने वाले मुसलमान गलत कैसे? तो क्या गलत किया हमने? हम लड़े थे अपनी सुरक्षा के लिए, तो क्या गलत किया? हम लड़े थे दुश्मनों से, ना कि किसी धर्म से, तो क्या गलत किया? हम लड़े थे अपने अस्तित्व के लिए, तो क्या गलत किया? हम लड़े थे अपने देश को बचाने के लिए, तो क्या गलत किया? और लास्ट में जो मैं समझा, आज भी हम सब एक है, आज भी हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आज भी हम सबको अपना मानते हैं, फिर भी हम कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये मुझे समझना है क्योंकि मेरे देश को मुझे ये समझाना है। जय हिंद।